चमकाने वाले पहलवान रवि दहिया ने अपने पैतृक गांव नाहरी में इंडोर स्टेडियम की घोषणा करने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल का जताया आभार। और मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने घोषणा करते हुए कहा कि रवि कुमार के पैतृक स्थान सोनीपत जिले के नहरी गांव में इंडोर कुश्ती स्टेडियम बनाया जाएगा। खट्टर ने यह भी कहा कि दहिया ने न केवल हरियाणा का दिल जीता है बल्कि पूरे देश उनकी उपलब्धि से उत्साहित है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं कामना करता हूं कि आप सफलता की नई ऊंचाइयां हासिल करें। रवि दहिया, तुझ पर हरियाणा को ही नहीं पूरे हिंद को नाज है। सारा हरियाणा, प्रदेश, प्रदेश की सरकार और सभी देशवासी आज गौरवान्वित है। और बता दें कि टोक्यो ओलंपिक 2020 की रेसलिंग प्रतियोगिता में रजत पदक जीतने वाले रवि दहिया को हरियाणा सरकार 4 करोड़ रुपए कैश और एक सरकारी नौकरी और एक प्लॉट देगी। इसके अलावा केंद्र सरकार उन्हें 50 लाख रुपए भी देगी। हरियाणा के जो हमारे मुख्यमंत्री जी मनोहर लाल जी, उन्होंने हमारे गांव में स्पेशल जो इंडोर जो स्टेडियम बनाने की घोषणा की है, उसके लिए मैं बहुत दिल से शुक्रिया करता हूँ। हमारे मुख्यमंत्री जी जो हरियाणा के, उन्होंने जो और जो जो खिलाड़ियों को हौसला बढ़ाया है और जिन्होंने मतलब इतना चीयर कर रहे इंडिया को, तो उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ।